गुड मॉर्निंग बच्चों, लाइफ प्रोसेस का केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5. हमको क्या है, पांच क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से कोई फोर ऑप्शन चूज करने, तो हमको हमेशा इजी और जिसमें हम श्योर हो 100% उसको सॉल्व करना चाहिए. एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसे छोड़ देना चाहिए. ये CBSE सैम्पल पेपर 2021 के क्वेश्चंस हैं. ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. हर एक लिविंग सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है हर एक अपने अपने काम करने के लिए. हर एक लिविंग सेल को रेस्पिरेशन करना पड़ता है, एनर्जी ऑब्टेन करनी पड़ती है अपने काम करने के लिए. दीज एनर्जी इज अवेलेबल बाई द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. तो ये जो एनर्जी ऑप्टेन होती है वो कैसे ऑप्टेन होती है सेल्स में, उसमें सेल्स में ग्लूकोज टूटता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी ऑप्टेन होती है. अब ये ग्लूकोज जो है, ये जो एनर्जी ऑप्टेन होती है या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस भी में भी होती है, यानी एरोबिक प्रोसेस भी हो सकता है और एनारोबिक प्रोसेस भी हो सकता है. एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे ऑप्टेन होती है एनर्जी हायर प्लांट्स और एनिमल, एक ही प्रोसेस है, रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग तो खाली इनहेल और एक्सहेल गैसेस का, इनहेल और एक्सहेल, एयर अंदर लेना एयर बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग. ओनली ब्रीदिंग में और कुछ नहीं होता, एनर्जी वेनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है. डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, सिंपल इंजाइम्स की मदद से डाइजेशन होता है, सिंपल. बचा टिश्यू और ऑर्गन रेस्पिरेशन. अब टिश्यू क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, तो सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं. तो हमको थोड़ा एकदम सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो हम उसके पास क्या है, टिश्यू रेस्पिरेशन है. तो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी. दिस इज अ पीक. ये एक ग्राफ है, एक एथलीट का ग्राफ है, वो दौड़ रहा है और उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, हाइएस्ट डी में है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैक्टिक का कंसंट्रेशन है, फिर अचानक से कम हो रहा है, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे एकदम मैक्सिमम है और फिर कम हो रहा है. क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट वाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किस में होता है, ब्रीदिंग में नहीं होता, फर्मेंटेशन तो ईस्ट सेल्स में होता है, एथलीट की बात हो रही है, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक में तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बच्चा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में प्रोड्यूस होती है. तो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ स्टडी द ग्राफ बिलो एंड दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड. एक एथलीट है, फुल स्पीड में दौड़ रहा है, उसका ग्राफ है, एनर्जी सप्लाइड इस तरीके से ग्राफ है और मिनट्स दिए हैं, टाइम दिया हुआ है, दौड़ रहा है. प्लॉट ए ग्राफ, यानी एनर्जी धीरे 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 राइज हुई और कंसिस्टेंट हो गई, ये मतलब यूनिफॉर्म ग्राफ हो गया, मतलब इस तरीके से कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है, मतलब कंसिस्टेंट हो गई, इंक्रीज हुई और फिर कंसिस्टेंट हो गई. प्लॉट ए, दिस इज श्योरली एन एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये हो सकता है. और प्लॉट बी जो है, अचानक से बड़ी अचानक से कम है, अचानक से बड़ी अचानक से कम हुआ जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, दिस इज इनकंसिस्टेंट ग्राफ. आंसर देखते हैं. आंसर ओके, आंसर चूज द करेक्ट इन कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्लॉट, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी, जस्टिफिकेशन. ठीक है, प्लॉट ये तो करेक्ट है, प्लॉट ए विल बी एरोबिक, प्लॉट बी विल बी एनारोबिक, सही है. तो ए और बी तो सही है, सी और डी डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए. ए सी और डी तो हो गया, 50% आंसर तो कैंसिल हो गया, ए और बी में से चूज करना है. प्लॉट ए प्लॉट बी ये तो सही है. अब
फर्स्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक. एरोबिक में तो हाई थी और कंसिस्टेंट थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और कंसिस्टेंट हो गई थी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन गलत है. अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हाई और कंसिस्टेंट है, ये चीज़ सही है, एंड लो इन एरोबिक. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक एनरोबिक रेस्पिरेशन में तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, येस करेक्ट होता है. एनर्जी 280 रिलीज होती है, करेक्ट. लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, करेक्ट. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आंसर सही. सी, स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसमें से कौन सी रो है जिसमें इनकरेक्ट है लोकेशन? एरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है, करेक्ट. साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स में भी होता है, सो दिस इज करेक्ट. एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, नो, साइटोप्लाज्म में ही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, रिमेंबर इट. ए इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला गया है, तो ए विल इज इनकरेक्ट. बी जो है एंड प्रोडक्ट एरोबिक में, हाँ सही है. एनारोबिक में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, सही. अमाउंट ऑफ एटीपी हाई होता है, सही है. 36 एटीपी ओवरऑल, 38 एटीपी मिलता है, इसमें जो है लो होता है, सही, करेक्ट. ऑक्सीजन, हाँ ज़रूरत होती है, एनारोबिक में ज़रूरत नहीं होती.